आपसे कहना है कि भाई मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है, मुझे उठना है बेड पर से, मुझे शीट लेना है और शीट लेकर वो कैप की मुझे रूम में घूम घूम के उसको याद करना है, मुझे जोर से बोलना है। कहते हैं ना कि चल नहीं सकते तो दौड़ो, मतलब ऐसा है कि उड़ नहीं सकते तो कम से कम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो, जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। तो बस मेरे भाई ऐसे ही चलते रहो, रोज सुबह अपने आप से प्रण लो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारे काम सेकेंडरी होंगे, पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होगी। जिस दिन आपने मेरी तरह, देखो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, 2 महीने तक मेरे रूम में शीशा नहीं था, 2 महीने तक मैं गर्ल्स गुरुकुल में जब मैं पढ़ाने गया ना, जब मेरी ऑफलाइन बैच लगी थी पहली बार, उस दिन मैं घर में शीशा खरीद के लेके आया था कि यार कल से तो पढ़ाने जाना, वो भी लड़कियों के बीच जाना है पढ़ाने, तो थोड़ा एक चेहरा वेहरा देखने के लिए शीशा लेकर आ जाते। 2 महीने तक तो ठिकाना नहीं होता था बाल कैसे कैसे, क्योंकि बस एक ही धुन की सवार होती थी, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बस ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश की। अपनी उम्र में अपनी उम्र से ज्यादा की किताबें पढ़ डाली, इसलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से है ना, आप भी अपने अंदर एक हौसला रख सकते हो, बहुत जज्बाती इंसान हो आप, तभी सुबह 9 बजे उठकर आप वीडियो देखने आए हो, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा और जज्बात रखना है, सीखने की रोज नहीं इच्छा रखनी है आपको, इतना आपको रोज ध्यान। अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, डेली का नहीं बना सकते, वीकली का बनाओ, ठीक है, और उसको करने में लग जाओ। 12 घंटे का मत बनाओ दोस्त, 12 घंटे का आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ, पहला दिन तो हो जाएगा, दूसरे तीसरे दिन से वो कहानी खत्म। बस उतना ही बनाओ जितना सस्टेन कर सकते हो और उसी को धीरे 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 बढ़ाना शुरू करो। एक बात मैंने जिंदगी में हमेशा रखी थी कि मैं दुनिया में किसी को अपना कंप्यूटर नहीं बनाता था, मैं खुद को अपना कंप्यूटर बनाता था। इंसान को खुद से बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं अपने रूममेट से कंपटीशन लगाऊं और रात में वो 10 बजे सो जाए तो मतलब क्या हुआ कि मुझे भी 11 बजे सोना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा कंपटीशन खुद से है कि कल तू 11 बजे सोया है, आज खुद को हरा के दिखा, आज तू 12 बजे सो के, अगर उसैन बोल्ट किसी का रिकॉर्ड तोड़ने चलता ना तो वो खुद का रिकॉर्ड नहीं बनाता, उसने खुद का रिकॉर्ड बनाया, फिर खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा और बार बार लगा रहता है कि आज मुझे खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, वो किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दे सेट देयर रिकॉर्ड, दे सेट द एग्जांपल बिफोर द वर्ल्ड, आपको भी वही करना है, क्लियर है।